मैं कमलनाथ हूँ। मैं पेड़ से टूटा कोई पत्ता नहीं जिसे हवा का एक झोंका उड़ाकर ले जाए। मैं वो आंधी हूँ जो ऐसे सैकड़ों झोंकों को अपने में समेटे हुए हूँ। योद्धा कभी पाला नहीं बदलते, वो तो अपने हौसलों से हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। इतिहास गवाह है, जयचंदों के इरादे कभी कामयाब नहीं होते हैं। अब तो विश्वास और धोखे के बीच एक युद्ध शुरू हुआ है। जनता और जयचंदों के बीच एक लड़ाई का आगाज हुआ है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये एक अभियान की शुरुआत है। इस युद्ध को हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्ता के सौदागर इस महामारी के संकट में जयचंदों की खरीदी बिक्री की मंडी खोलकर बैठ गए हैं। इस समय प्रदेश के हालत से समाज का हर वर्ग चिंतित और परेशान है। सरकारी सहायता को तरसते बेरोजगार युवा, चिंता करती बहन बेटियां, कम होती नौकरियां, बंद होते व्यापार, बढ़ते अपराध और लगातार घटता विश्वास। क्या सत्ता का लालच इस कदर हावी है? याद रखना, जब उपचुनाव में जनता की अदालत लगेगी, तब मतदाताओं के फैसले के बाद सौदागर और जयचंद खरीदने और बिकने के लायक नहीं रह पाएंगे। मैं कमलनाथ हूँ। इस संकट के दौर में मैं मेरे प्रदेश की जनता के साथ खड़ा हूँ। मैं हर जंग हर लड़ाई लड़ूंगा। अपने साथियों से इतना ही कहूंगा, संघर्ष शुरू हो रहा है, अंत में जीत हमारी ही होगी। हम पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे जयचंदों और उनके सौदागरों से।